अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये मेरे बच्चों ने एडमिशन लिया आपकी यूनिवर्सिटी में, दो मेरे बच्चे हैं, ये उनके चलान फॉर्म मैं अभी लेके आया हूँ नीचे से। तो सर इसमें मेरा बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा जो मेरा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। जैसे आप फ़ोन लेते हैं तो उस फ़ोन का कलर ब्लू है और एक का ग्रीन है, तो इसमें भी देखें यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है इस्लामियात पढ़ाई जा रही है पहले सेमेस्टर में और नीचे भी इस्लामियात है, सेम कोड है, सेम सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी फ़ीस जो है वो 31,000 रुपये है और सेम सब्जेक्ट की फ़ीस दूसरा बच्चा जो है वो 24,000 रुपये दे रहा है। सर ये डिफरेंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और इसी तरह मैथ है, इसी तरह बेसिक इंग्लिश है और तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट दोनों के पहले सेमेस्टर के सेम है। और ये तो सिंपल सी बात है ना, देखें ये इंजीनियरिंग कर रही है। सर ये आंसर मुझे पता है, ये मैं नीचे ये सर मैं नीचे आपके चार बंदों को ये बात बता के आ रहा हूँ जी, और आपकी यूनिवर्सिटी के डीन तक को ये बात नहीं पता। तो ये ऐसा क्यों है सर? यही इसका जवाब है कि ये इंजीनियरिंग का है और ये BScS का है, तो उसमें फर्क तो है ना। आप देखें इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो महंगी डिग्री है, BScS जो है वो ज़रा कम डिग्री है, ये डिफरेंस तो उस पर आ जाएगा ना। तो सर कम दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। मैं ये कह रहा हूँ मैंने आपको पांच का पहाड़ा एक बच्चे को 100 रुपए में सिखाया है, एक बच्चे से मैं 50 रुपए ले रहा हूँ पहाड़ा में, दोनों को पांच का ही पहाड़ा। मेरे भाई वही पहाड़ा आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो वो आप 10 रुपए में पढ़ा देंगे, वही पहाड़ा आप किसी इंग्लिश स्कूल प्राइवेट में पढ़ाएं तो 100 रुपए में पढ़ाएंगे। यानी आपके पास इसका कोई जवाब नहीं सवाई इसके कि ये कंप्यूटर साइंस है। समझ नहीं आ रही कि आप बात को समझ क्यों नहीं रहे। नहीं मुझे तो समझ आ रही है, वो BScS है, उस पर डिफरेंस तो आएगा ना, तो सब्जेक्ट तो सेम है ना भाई। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह आपको समझाऊं, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा। अब देखें चार सब्जेक्ट की फीस एक बच्चा जो है वो 1,24,000 रुपये दे रहा है जी जी, और एक बच्चा जो है वो 1,00,000 रुपये दे रहा है, तो 24,000 रुपये फालतू किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? सर मेरे पास तो मैं ऑलरेडी आपको जवाब दे चुका हूँ, आप सेम वही बात करते जा रहे हैं कि सर ये डिग्री और है, ये डिग्री और है, इस डिग्री की वर्थ ये डिग्री वाला इस डिग्री से जब इंजीनियरिंग वाला जब मार्केट पे जाएगा तो पैसे भी तो ज़्यादा कमाएगा ना BScS वाले से। सर ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। कंप्यूटर साइंस में ये सिर्फ आप लोगों ने फ्लेवर्स बना दिए हैं पैसे कमाने के चक्कर है मेरा ख्याल है ये, और दोनों जब मार्केट में जाएंगे दोनों डिग्री सेम हो जाती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने पैसों के चक्कर में एक चीज़ को अलग कर दिया। हम खुद यहाँ जॉब करते हैं, ये चीज़ें हमें सेट होके आती हैं, प्लान मिलती हैं, हम यहाँ पे बैठ के इसको खुद से प्लान नहीं कर रहे होते, हम तो फॉलो करते हैं ये चीज़ें, हमारे सिस्टम पे सारी चीज़ें आ रही हैं, हर जो अलहदा प्रोग्राम है उसके अलहदा फीस जो है उसका सेटअप पूरा बना हुआ है। सर ये कंप्यूटर है हदीस नहीं है, ये आप लोग जो इसमें डालेंगे इस मुसीबत में यही आएगी, बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम को इस कंप्यूटर ने। सर, आप लोगों के पास ये बहाना आ जाता है कि इसमें ये पड़ा हुआ, तो डाला किसने है? वो भी तो किसी बंदे ने डाला है ना, और आप जो कहेंगे वो इसमें आ जाएगा। सर आप मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आपको समझाऊँ, आप एक तरफ कंप्यूटर को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कंप्यूटर में अपने बच्चे को भी दाखिल करवा रहे हैं। सर वो तो मजबूरी है ना, जाहिर है कि हमें बच्चे को तो चलाना है ना, आगे कल को जॉब भी करनी है, लेकिन ये बहाना कि इस कंप्यूटर में ये है तो मैं बच्चे को ये थोड़ी कहूंगा कि उसने डाटा ऑपरेटर बनना है, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। आप जॉब क्या करते हैं? सर मुझे छोड़े मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। चले आप इस तरह ले लें कि आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के रूल्स जो हैं वही फॉलो करेंगे जो आपके ओनर जो वो आपको देंगे, तो हम तो इसी तरह जो चीज़ें आ रही हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी मुझे ये पैसे देने ही पड़ेंगे? ये आपको देंगे, यानी मैंने पर सब्जेक्ट 31,000 रुपये इस्लामियात पढ़ाने का बच्चे को देना है? देना पड़ेगा सर, ये तो हर जगह। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके पास BS कंप्यूटर साइंस में बच्चे को दाखिल करवाने लगा हूं, तो ये आप उसको इस्लामियात पढ़ा रहे हैं 31,000 रुपये में, ये इस्लामियात मैट्रिक लेवल की है, फिर आप इसको पढ़ा रहे हैं फंक्शनल इंग्लिश मैट्रिक लेवल की 31,000 मुझसे वो ले रहे हैं, बेसिक मैथ 31,000 रुपये, बेसिक कंप्यूटर। अब देखें सर, देखें एक मिनट ठहरे सर, 1,24,000 रुपया मुझसे ले रहे हैं चार सब्जेक्ट्स का जो मेरे बच्चे ने कभी इस्तेमाल भी नहीं करने, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरे बच्चे ने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है ना, उसको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएं। सर कुछ चीज़ें जिंदगी में अखलाकियात भी होती है, वो भी इनसे बच्चों को मिलेगी। और मेरी बात सुनिए सर, वो 12 साल अखलाकियात पढ़ ली है सारी। सर पूरे पाकिस्तान में इस तरह है, ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जिस इदारे में भी जाएंगे आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये HEC ने डिजाइन किए, 4 साल की डिग्री देनी। मुझे आप ये समझाएं कि एक बच्चा डॉक्टर बनने आया है जी, ठीक है जी, आप उसको फारसी का कोर्स करवाई जा रहे हैं, उसको क्या चाहिए, उसको जरूरत है फारसी की, क्यों पढ़ा रहे हैं उसको?
कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को कंप्यूटर साइंस पढ़ाए ना सर, मेरी बात सुने ये, या हम हर पेरेंट्स से कहें जी अपने बच्चे के लिए कोर्स वो खुद ही डिजाइन करके भेज दें, या तो एक काम ये हो जाता है, तो या फिर ये होता है कि जो यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं इतने थे अहम लोग, इतने थे पढ़े लिखे लोग ये सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करें। ये आप तो मतलब यानी आपका मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स ही इतने नहीं है चार साल पूरे करने के लिए। सर ये देखें ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि HEC ने चार साल की डिग्री देनी है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पढ़ाना है उनको, जो चीज़ें उनकी रेलिवेंट हैं उसके साथ साथ ये सपोर्टिंग चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं। यानी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी ना आपके पास मेरी फीस वाले के मसले का हल है, ना ये सब्जेक्ट वाले का। सर आई एम रियली सॉरी, आप ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको समझ नहीं आ रही है, ये हर जगह पे ऐसे ही है। मैं आपकी यूनिवर्सिटी नीचे गया हूँ, वो भी कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो आना है हमने तो इसको फॉलो करना है। ये जो मुसीबत आप लोगों ने सर रखी हुई है ना, इसका सारा ये हर बंदे के पास ये बहाना है जी हमारे कंप्यूटर में जो आ गया सिर्फ वही चीज़ होनी है। सर इसको दफा करें, ये कंप्यूटर बड़ा हुआ है।